जब महादेव भगवती सती के शरीर को लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में घूम रहे थे तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए। तब सदाशिव काफी क्रोधित हो गए और निःश्वास छोड़ते हुए भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि त्रेता युग में विष्णु को पृथ्वी पर सूर्य वंश में जन्म लेना पड़ेगा और जिस प्रकार से मुझे अपनी छाया पत्नी का वियोगी बनना पड़ा है उसी प्रकार से राक्षस राज रावण विष्णु की छाया पत्नी का हरण करेगा और मेरी ही भांति भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी के वियोग में रहेंगे, विष्णु भी मेरी ही भांति शोक से व्याकुल चित्त रहेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु को श्राप देकर के शिव जी स्वस्थ चित्त हो गए और उन्होंने जगदम्बा के बताए हुए पूर्ण वृतांत को याद करके कामाख्या में तपस्या की। भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए तथा उनके इच्छा अनुसार यह वरदान दिया कि मैं अपने अक्ष से जलमयी गंगा का रूप धारण करके आपको पति रूप से प्राप्त करूंगी। इसके साथ ही मैं पूर्णा अवतार लेकर के पार्वती के रूप में भी आपकी पत्नी बनूंगी। इस प्रकार से भगवती सती ने ही अपना रूप गंगा और पार्वती में लिया था और यह सब संभव हो सका क्योंकि महादेव ने कामरूप कामाख्या में तपस्या की थी। कामरूप कामाख्या के बारे में यह बतलाया जाता है कि यहाँ पर मनुष्य की कामनाएं पूरी होती हैं, इसीलिए इसे कामना पूर्ति कामरूप कामाख्या भी कहा जाता है।